दोस्तों मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में ग्रीन राशन कार्ड को पीएच में कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूं मात्र से ही 7 दिनों में, ठीक है। तो चलिए झार वीडियोस के वेबसाइट पे आ जाना है और यहां पे आने के बाद शिकायत दर्ज करने में चल जाना है। देख सकते हैं यहाँ पर आप ऑफलाइन माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। तो पहला स्टेप आपको ऑफलाइन माध्यम से दर्ज कर लेना है, सेकेंड स्टेप आपको ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कर लेना है, ठीक सकते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम खुल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे लोक शिकायत प्रणाली प्रबंधन प्रणाली खुल चुका है। यहाँ पे देखिए PHAAY कार्ड बनवाने एवं नाम जुड़वाने से संबंधित, ठीक है। यहाँ सब कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, क्या क्या कर सकते हैं आप इस वेबसाइट से। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे शिकायत हेतु अनुरोध, तो उसमें कल क्लिक करके यहाँ पे आई एक्नॉलेज मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने उपरोक्त नियम और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं उनसे सहमत हूँ, ठीक है। इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है वो डायल कर देना है, मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है। डाल देने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट मोबाइल सत्यापित का ऑप्शन पे जाना है, यहाँ OTP का वेट कर लेना है। चलिए OTP का वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे OTP आ चुका है मेरा। OTP आने के बाद यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद जो इस कार्ड धारक का नाम लिखना है यहाँ पे, जिस कार्ड धारक के नाम पे ये राशन कार्ड है, ठीक है। तो चलिए राशन कार्ड धारक का नाम लिख देते हैं। उसके बाद जो ईमेल आईडी है वो दर्ज कर लेना है। चलिए ईमेल आईडी दर्ज कर लेते हैं। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर लिखना है, यहाँ पे आधार नंबर लिख देते हैं और यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे दिव्यांग है या नहीं सिलेक्ट कर लेना है, विषय वस्तु में सिलेक्ट करना है आपको। PHAAY कार्ड बनवाने हैं तो ठीक है, यहाँ पे ब्रीफ में जाना है, PH राशन कार्ड बनवाना, ठीक। यहाँ पे निवेदन में निवेदन करना है और पोर्टल के बारे में कहाँ से जाने वो लिख देना है और विभाग आपका कौन सा विभाग में पड़ता है वो क्लिक कर लेना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है आपका, जिस ब्लॉक में पढ़ते हैं आप। यहाँ पे पंचायत सिलेक्ट कर लेना है, जिस पंचायत में आप पढ़ते हैं तो वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका पंचायत का नाम ये है तो इसमें क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए अधिक जानकारी और यहाँ पे अपना जो निवेदन है वो लिखना है। तो निवेदन आपको इस प्रकार लिखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने ये पहले से ही लिख रखा है, इस प्रकार से आपको ये लिखना है एप्लीकेशन और यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए अपना यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन राशन कार्ड का जो श्रेणी है जिस प्रकार से आपने अभी यहाँ पे लिखे हैं
देखिए ग्रीन, यहाँ पे लिखना है कार्ड नंबर, जो आपका ग्रीन कार्ड नंबर है वो डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कार्ड नंबर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो फिलअप कर देना है। यहाँ पे आई घोषणा में क्लिक कर देना है, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट का बटन पे क्लिक कर देने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है। देखिए यहाँ पे एक सफलतापूर्वक रजिस्टर नंबर आएगा, उसको आपको कॉपी करके रख लेना है और यहाँ पे इसको हटा देना है। ठीक है, अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो भेजें। ठीक है, और यहाँ पे स्थिति आप इसका देख सकते हैं। यहाँ पे नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, और जिस मोबाइल नंबर से ये रजिस्टर्ड हुआ है उस मोबाइल नंबर पे ये मैसेज जा चुका है। चलिए एक बार आपको स्टेटस चेक करके मैं दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आपको स्टेटस चेक कर लेना है। ठीक है, देखिए आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें OTP चल जाएगा, फिर आपका स्टेटस शो कर देगा आपको कि आपका एप्लीकेशन कितना दूर पहुंचा है। OTP यहाँ दर्ज कर देते हैं। दर्ज करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग अप्रूवल, यहाँ पे इस प्रकार से स्थिति है। तो ये जब अप्रूव हो जाएगा तब आपका ग्रीन से PH में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को